नमस्कार, यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है। इस वीडियो में आपको प्राइवेट बैंक के अकाउंट में कौन कौन से चार्जेस लगता है यह बताने वाला हूं। मैं यहां एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट के चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं, जो ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट बैंक में लागू होते हैं। थोड़ा बहुत चार्जेस में ऊपर नीचे हो सकता है। फर्स्ट, मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन। हर बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। यदि आपका अकाउंट मेट्रो या अर्बन सिटीज में है तो आपको मिनिमम 10 से 12000 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। वहीं अगर आपका अकाउंट सेबी अर्बन में है तो आपको 5000 रुपया, और रूरल एरिया में आपका अकाउंट है तो आपको 2500 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जितना अमाउंट AMD यानी एवरेज मंथली बैलेंस से कम होगा उसका 7.5% चार्ज आपको देना होगा। यह मैक्सिमम 600 रुपये तक लग सकता है। ज़्यादातर लोगों के चार्जेज इसी तरह से लगते हैं। लोग अपना AMD मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिनकी वजह से उन्हें चार्जेज देना पड़ता है। तो आप अपने अकाउंट में AMD को जरूर मेंटेन रखें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी सैलरीड अकाउंट होते हैं उन्हें AMD मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड, ATM चेंज। यदि सेम बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होता है। जैसे मैं एक्सिस बैंक के ही ATM से ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मुझे कोई चार्ज नहीं देना होता है। और यदि नॉन एक्सिस बैंक ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं तो महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन करते हैं वो पर ट्रांजेक्शन पे हमें 21 रुपये देना पड़ता है। थर्ड, डेबिट कार्ड चार्ज। यदि कोई सिर्फ प्राइमरी डेबिट कार्ड भी लेते हैं तो उस पर भी 150-200 रुपये प्लस टैक्सेस देना होता है, और एनुअली डेबिट कार्ड फी भी 150-200 रुपये प्लस टैक्सेस होता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं जिस पर अलग अलग चार्ज देना होता है। यदि कोई डेबिट कार्ड लॉस्ट या डैमेज होता है तो उस पर रिप्लेसमेंट डेबिट कार्ड 200-300 रुपये प्लस टैक्सेस देना पड़ता है। इसके अलावा भी और भी चार्ज लगते हैं, जैसे अगर आप कोई डेबिट कार्ड को 6 महीने तक यूज नहीं करिएगा तो भी चार्ज देना पड़ता है। फोर, कैश ट्रांजेक्शन चार्ज। यदि अकाउंट से डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो भी चार्ज लगते हैं। बात करें एक्सिस बैंक की तो अगर महीने में 4 ट्रांजेक्शन या 1.5 लाख तक का ट्रांजेक्शन यह फ्री में होता है, और यदि नॉन होम ब्रांच है तो हर दिन 25,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन हो सकता है, और इससे ज़्यादा होने पर हर 1,000 रुपये पर 5 रुपये का चार्ज देना पड़ता है, जो कि मिनिमम 150 रुपये तक लग सकता है। 5, चेकबुक इशूज। हर साल 20 लीव्स के एक चेकबुक फ्री में दी जाती है। इससे अधिक चेकबुक लेते हैं तो पर लीव 4 रुपये का चार्ज देना होता है। 6, ट्रांसफ़र चार्ज। यदि NFT या RTGS करते हैं तो वह फ्री में करते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा IMPS करते हैं तो 1,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर 2.5 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगता है, और 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन 5 रुपये का चार्ज देना होता है, और यहीं 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन पर 15 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। 6, कन्वीनियंस फी। कुछ कन्वीनियंस फी भी आपको देना होता है, जैसे अकाउंट क्लोजर। यदि आपका अकाउंट 14 दिन से लेकर 1 साल तक के बीच का है तो उस अकाउंट क्लोज पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके अकाउंट का 1 साल से अधिक टाइम हो चुका है तो आपको अकाउंट क्लोज पर 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद डुप्लीकेट पासबुक पर 100 रुपये का चार्ज, फिजिकल स्टेटमेंट फ्रॉम द ब्रांच 100 रुपये का चार्ज, इसके बाद DD या PO कैंसिलेशन, रीवैलिडेशन या डुप्लीकेट DD या PO पर भी 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद ECS या NACH, मतलब कि यदि आपके अकाउंट से कोई EMI कट हो रही है तो उस पर ट्रांजेक्शन पे आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 7, ट्रांजेक्शन फेलियर चार्ज। कभी कभी आपके अकाउंट में इनसफिशियंट बैलेंस होने की वजह से भी कई तरह के चार्ज लग जाते हैं, जैसे इनवर्ड चेक रिटर्न। यदि आपने किसी को चेक दिया और इनसफिशियंट बैलेंस की वजह से आपका चेक बाउंस जाता है तो भी आपको पर चेक पर 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन पर ऑटो डेबिट की सुविधा है और आपके अकाउंट में इनसफिशियंट बैलेंस होने की वजह से ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है तो आपको पर ट्रांजेक्शन पर 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। ये जितने भी चार्जेस के बारे में मैंने आपको बताया ये सभी प्राइवेट बैंकों में सेम होता है, सिर्फ फी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट कट होते हैं उन सब पर सिर्फ कंसोलिडेटेड चार्ज लिखा होता है और अमाउंट कट होता है, पूरा डिटेल में आपको देखने को नहीं मिलता है। और हम भी यह छोटा अमाउंट कट हुआ है यह सोच कर रह जाते हैं, यह छोटा अमाउंट को आप जब बाद में देखेंगे तो बड़ा अमाउंट बन जाता है। यदि आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है तो आपको अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और भी कोई चार्जेज जो बैंक से कट होते हैं जिनके बारे में आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले। और ऐसे ही और फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।